अभी आपको आपको कर दो हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने ये गोल बना लिया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें अभी इनका स्टिक करेंगे हम। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रोफेनोपास का भी हमने इसको डाला है, और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं, ये होम्योटॉप का डालेंगे हम इसमें, और इसके अलावा हमने ये चिपको डाला है इनके साथ। इस प्रकार से नली द्वारा आप गोल बना लीजिए दवाई डाल के, और इसपे स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको बता दूँ। इस प्रकार से ये प्रेशर वाल है, और इससे मनचाहा प्रेशर अपन रख सकते हैं। जितना भी आपको स्प्रे के अनुसार जितना भी आपको उचित लगे उस हिसाब से आप प्रेशर रख सकते हैं। और ये कांटा आप देख रहे हैं स्प्रे का, आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी ठंडे के पौधे को कम स्प्रे के लिए हमने भी स्प्रे किया है, उसके पहले कम से आप स्प्रे कर सकते हैं। ये यहाँ पे टेक्टर हिलने से दवाई भी हिल रही है, फूल मिल अच्छी रही है। और इस प्रकार से ये प्रेशर देख रहे हैं आप, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, और ये अपने 20 के समथिंग ये अपने आ जाएगा, तो काफी अच्छा स्प्रे होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्प्रे जारी हो गया है। ये काली मस्सी के लिए आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप स्प्रे करें ट्रैक्टर के द्वारा, और काफी कम समय में आप लंबे चौड़े संतरे के बगीचों में आप स्प्रे कर सकते हैं इसके जरिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रेशर रहेगा, और हाँ तो दोस्तों, इस प्रकार से आप स्प्रे कर सकते हैं कृषि पंप से, और ये काफ़ी असरदार तरीका है बगीचों पे स्प्रे करने का। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप काली मस्सी का स्प्रे कर सकते हैं, और लगभग एक साल में आपको 4 से 5 स्प्रे करना ज़रूरी होता है संतरे की, अगर आप खेती कर रहे हो तो। आपको दोनों तरफ से इसका स्प्रे करना होगा, तभी आपको ये काली मस्सी से आप छुटकारा पा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये पंप अभी छिड़काव पे जारी है, और लगभग 1 घंटे का समय लगेगा इसको पूरा इस टंकी को खत्म होने में। और ये आप देख सकते हैं, ये प्रेशर वाले, ये जैसा कि मैंने आपको पहले, ये हाई लो इसकी जो ये रेंज है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हाई लो प्रेशर करने का है। और उसके अलावा ये कुल्ली चल रही है ट्रैक्टर के जरिए, जिससे कि ये स्प्रे हो रहा है। तो अगर दोस्तों, अगर आप संतरे की खेती करने के इच्छुक हो, तो इस प्रकार से आपको काली मस्सी का इसमें स्प्रे करना होता है, जो कि काफ़ी घातक रहती है संतरे के बगीचों के ऊपर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।